स्वागत करते हैं भी आपका है सस्टी वर्ड में। तो हम आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी लेट 18 सेंचुरी के टाइम। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सेंचुरी कैसे आप रिकॉग्नाइज या फिर पता कैसे करेंगे। अगर हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब उससे 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो टाइम होगा 1701 से लेके 1800 तक, वो क्या होगा हमारा 18 सेंचुरी। तो हम बात कब की कर रहे हैं, लेट 18 सेंचुरी। तो मतलब कि जो भी 1750 के बाद से लेके 1800 तक का टाइम पीरियड होगा, वो हमारा होगा लेट 18 सेंचुरी। तो बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी जो डिवाइड थी फ्रांस में, वो तीन पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जैसे कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें जो हमारा सोसाइटी का डिविजन पाया जाता है वो वर्ण पर डिवाइड था। वो भी वर्ण कितने प्रकार के थे, चार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। पर यहाँ की जो सोसाइटी थी फ्रेंच की, वो तीन स्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट का नाम था क्लर्जी। क्लर्जी मतलब क्या, नया वर्ड मिल गया आपको, आप सोचेंगे क्लर्जी क्या होता है, इसलिए मैंने आपका राइट साइड में उसको डिफाइन भी कर दिया, पीपल्स हु वर्क इन चर्च। सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो हाई क्लास के लोग थे या फिर जो एक सीनियर ऑफिसर्स थे, वो आते थे नोबिलिटी ग्रुप में, जिसमें राजा भी आता था। तो मैंने उसकी वो डेफिनेशन लिखी है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु बिलोंग टू हाई सोशल क्लास। थर्ड स्टेट आता है, थर्ड स्टेट के लिए कोई नाम नहीं दिया बुक में, पर मैंने अपने आसानी के लिए नाम रखा उसका कॉमनर्स, जिसमें आते थे मर्चेंट, लॉयर, बिग बिजनेसमैन, पीजेंट एसेट्रा। तो ये तो हो गई फ्रेंच सोसाइटी के डिविजन की बात। तो बात यह आती है कि डिविजन से दिक्कत क्या आई, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारे यहाँ क्या था कि अपर कास्ट का लोअर कास्ट डोमिनेशन था, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी अपनी वर्ण व्यवस्था में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या था, यहाँ पे भी सेम था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे मान लीजिए वो अपर कास्ट है, थर्ड स्टेट को मान लीजिए लोअर कास्ट है। तो इस डिविजन में भी क्या है, अपर कास्ट का डोमिनेशन लोअर कास्ट को फेस करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का डोमिनेशन थर्ड स्टेट को फेस करना पड़ेगा। तो आते हैं पहले प्रॉब्लम पे। पहला प्रॉब्लम क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल रखे थे, जो कि उनके बर्थ बेस पे थे, मतलब कि वो अगर जैसे राजा महाराजा के घर में जो पैदा होते थे, तो उनका क्या हाई क्लास में पैदा हो गए, तो वही बर्थ बेस प्रिविलेजेस थे इनके पास। तो पहला हम जो इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है वही पढ़ेंगे। तो इनका इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेज था वो क्या था, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना था, टैक्स सिर्फ कौन पे करता, थर्ड स्टेट के लोग। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी इसी को लेके है, थर्ड स्टेट वो ऑब्लिक टू पे टैक्स एंड रेंडर सर्विसेज। रेंडर सर्विसेज को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। रेंडर सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं प्रदान करना। अब पूछो कि सेवाएं या फिर सर्विस किस टाइप में, लेबर सर्विस, आर्मी में सर्विस, बाबर की सर्विस, जितनी भी टाइप की सर्विसेज होती थी वो भी कौन प्रोवाइड करता था, थर्ड स्टेट ही। नेक्स्ट आता है आप थर्ड पॉइंट, अगर देखेंगे तो मैंने दो चीज लिख रखी है, पॉपुलेशन और लैंड। अब पॉपुलेशन क्यों रख रखी है, क्योंकि जो फ्रांस में 1789 के टाइम पे पॉपुलेशन थी, उसमें 90% कौन थे, पीजेंट, और 10% में बाकी सारे थे। पर अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 60% लैंड किसके पास थी, नॉबल्स के पास, चर्च के पास और रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट के पास, मतलब जितने भी रईस लोग थे, चर्च के लोग थे, उनके पास 60% लैंड थी। जो 40% बस्ती है उसमें सारे लोग थे। तो अब 90% पॉपुलेशन है और 40% ही लैंड बच रही है, मतलब कुछ जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस फार्मर्स थे, कुछ स्मॉल लैंड ओनर्स थे, कुछ लार्ज लैंड ओनर्स थे। इसी वजह से होता क्या था, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उन्हें टैक्सेस देने में दिक्कत होती थी, जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे उन्हें भी दिक्कत होती थी, लार्ज लैंड ओनर्स को दिक्कत उतनी नहीं होती थी, पर टैक्सेस जब बढ़ा दिए थे लुई 16 ने, ट्रेजरी खाली होने की वजह से दिक्कतें उन्हें भी होने लगी। तो ये हो गया जो प्रॉब्लम थी फ्रेंच सोसाइटी के डिविजन में, वो सारी हो गई। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया जो देना पड़ता था थर्ड स्टेट को। डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी एक टैक्स था जिसे हम पढ़ते हैं टिथ्स। तो टिथ्स क्या है, टैक्स लेविड बाय द चर्च, एक टाइप का टैक्स जो चर्च लेता था। अब चर्च किस टाइप का टैक्स लेता था, जो भी फार्मर्स होते थे, जो भी पीजेंट्स होते थे, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10% कौन लेता था, 1/10 चर्च। तो उनका 10th जो 1/10 पार्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो चर्च एक टाइप में लेता था, उसको हम टैक्स का नाम दिया उन्होंने टेंथ। और सेकंड जो हमारा टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, दैट इज टाइल। तो टाइल एक डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट लेता था। तो प्रॉब्लम हमको आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स पे नहीं कर रहा था,
टैक्सेस सिर्फ कौन पे कर रहा था, थर्ड स्टेट टैक्स पे कर रहा था, और प्लस रेंडर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड स्टेट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरह से देखो तो अपर कास्ट की तरफ फर्स्ट और सेकंड स्टेट वर्क कर रहे हैं, डोमिनेट किसको कर रहे हैं, वो थर्ड स्टेट को। तो इस डोमिनेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन।